प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आईपीएल का चौथा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। राजस्थान रॉयल्स के 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम 16 रन से मैच गंवा बैठी। इस हार के बाद धोनी की कप्तानी और चेन्नई के प्रदर्शन पर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दे दिया है। सहवाग ने धोनी की कप्तानी की आलोचना की। सहवाग ने कई मसलों पर धोनी को खरी खोटी सुनाई। सहवाग ने कहा कि पहले तो संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी के बावजूद धोनी ने पीयूष चावला और रविंद्र जडेजा से लगातार गेंदबाजी करवाई। गेंदबाजी के दौरान भी अपने गेंदबाजों को वैसे नहीं समझाया जैसा उन्हें आमतौर पर करते देखा जाता है। सहवाग ने कहा कि जब चेन्नई इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी फिर धोनी को क्या जरूरत थी खुद से पहले रविंद्र जडेजा और सैम कुरेन को भेजने की। धोनी को ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए ताकि जीत की संभावना ज़्यादा हो। सहवाग ने धोनी की बल्लेबाजी की भी खूब आलोचना की। कहा, अंतिम ओवरों में धोनी ने जरूर 3 छक्के लगाए। लोगों को लगा कि चलो चेन्नई कम से कम टारगेट के करीब पहुंच गई, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगा। सहवाग ने कहा कि जिस तरीके से धोनी ने 20 के ओवरों में डॉट बॉल खेली, कभी लगा ही नहीं कि वे टारगेट हासिल करना चाहते हैं। अंत में वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि धोनी ने साफ तौर पर 2 बड़ी गलतियां की। पहला कि उन्होंने संजू सैमसन के सामने स्पिनरों से गेंदबाजी करवाई। दूसरी बड़ी गलती ये कि बल्लेबाजी के लिए खुद इतना नीचे आए। सहवाग ने कहा कि इस मैच के लिए मैं कप्तानी में धोनी को 10 में से केवल 4 अंक दूंगा। दरअसल धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने उद्घाटन मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला 16 रनों से हार गई। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।